तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का शादिया मॉम किचन में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, नए तरीके से गाजर का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, इसे अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो पहले हमने ले लिया है 2 कटे हुए गाजर, और फिर हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें ये सब डाल देंगे, गाजर डाल देंगे कटे हुए, और फिर पानी भी डाल देंगे। इसमें 1 कप पानी डालेंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है, यानी कि पिस चुका है। ये देखिए ऐसा ही हमें पेस्ट चाहिए गाजर का। और फिर एक छन्नी ले लेंगे और उसमें ये पेस्ट डाल देंगे, और इसका जो नीचे एक बाउल रख देंगे, इसका जो पानी है सब निकाल लेंगे अच्छे से। तो इसका जो पानी है वो हमें लगेगा, और ऊपर में जो बच जाएगा वो आप फेस पैक पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको आप रो के साथ बेल के रोटी भी बना सकते हो। और फिर हमने इस पानी में कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इस पानी में। और फिर फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ना भी डाल सकते। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें चीनी डालेंगे, जितना आप चाहे डाल सकते हैं, और फिर पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से चीनी डाल लेना, और फिर उसी सेम हिसाब से आप पानी भी डालना, और फिर इसे हल्का सा चलाएंगे। और फिर वो गाजर का पानी जो हमने लिया था वो मिक्स कर देंगे, इसमें डाल देंगे चीनी का। जब तक उबाल ना आए तब तक हम ये बैटर नहीं डालेंगे, जब आ जाए तब हम ये बैटर डाल देंगे। और फिर देखिए इसे हमें चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक जेली जेली सा नहीं हो जाता, तब तक हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। हम फिर से 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और फिर मिक्स करूँगी, और फिर मैं फिर से 1 चम्मच घी ऐड करूँगी और फिर से चलाऊँगी इसको। तो टोटल 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो, तो ऐसा जेली जेली सा हो जाना चाहिए। और फिर हमें परफेक्ट एकदम पता चल जाए इसलिए हम एक थाली लेंगे, उसमें थोड़ा सा डाल देंगे ये मिक्सचर, और इसको देखेंगे, अगर ये थाली में ना चिपके तो आपका बैटर तैयार हो चुका है, आपका गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे, और फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ना भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, पनीर ले लेंगे और फिर उसे हाथों से तोड़ लेंगे ऐसे। ऐसे और फिर हम इसमें डाल देंगे ये पनीर,
और फिर इसे भी मिक्स करेंगे हम इसमें। ये देखिए, और फिर हम एक ट्रे ले लेंगे और इसमें बटर पेपर डाल के ये जो हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। और फिर हमें अच्छे से इसे दबाना है, ऊपर प्लेन कर लेना, और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अच्छे दिखने के लिए, दिखने में और अच्छा लगेगा। और फिर हम इसे ऊपर से भी हल्का सा टैप टैप कर देंगे, और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और फिर ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसे काटूंगी। ये देखिए, काटने से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है इसमें। और फिर नए स्टाइल में गाजर का हलवा बनाएं, और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और अब घर में एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों, रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.